अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं तैयबा ज़िया चीमा का ऑफिशियल यूट्यूब और मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं। जी तैयबा, मुझे बताइए कि पिछले 22 साल से हम आपको नवाबत पे पढ़ रहे हैं, तो आपने स्टार्ट में नवाज शरीफ को बहुत सपोर्ट किया, फिर एक टाइम आया कि आपने उन्हें छोड़ा और आप इमरान खान और पीटीआई की सपोर्ट में लग गई, और अब मुझे लगता है कि आप इन दोनों से ही बिल्कुल साइड पे हो गई, तो लोग इस मखमसे में है कि आप एक्चुअल किस पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, इस बारे में लोग जानना चाहते हैं, तो आप कुछ बताएं इस पे। जी थैंक यू। हाँ, ये बात तो है, ये तो बहुत सारे लोग पूछते हैं और मैंने बहुत सारे कमेंट्स भी अक्सर मैं पढ़ती हूँ कि जी ये तो बताओ तुम किसके साथ हो। तो जी मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। मैं वैसे भी ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कि ज़र मुबादला भेजते हैं और जिनका पूरी रूह दिल दिमाग जो है ना, मैं उन पाकिस्तानी ओवरसीज में से हूँ जिन जो पाकिस्तान के लिए तड़पते हैं और यहाँ पे आके बकायदा वेलफेयर का काम करते हैं। तो मुझे, मेरा इश्क है पाकिस्तान, मेरा आइडियल है पाकिस्तान, ठीक है, मेरा कायद है मोहम्मद अली जिन्ना, और मेरे वालिद उन लोगों में से थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। कायद आजम की सियालकोट यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी भी थे, तो वो खून है मेरे अंदर। तो मैं किसी एक पार्टी की गल नहीं, चूंकि वो मुस्लिम लीगी थे मेरे वालिद कायद आजम वाले, तो मुस्लिम लीगी एक माहौल मुझे मिला घर में, जिसको आप राइटस्ट कहते हैं कुछ, तो वो बाय चांस ये कह लेंगे नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग बना ली, वो नवाज शरीफ बन गया। तो नवाए वक्त में भी लिखते लिखते नवाज शरीफ को भी सपोर्ट करना शुरू हो गई। नेचुरल है कि कहीं ना कहीं आपका रुझान होता है, तो हमारा बचपन से मुस्लिम लीग की तरफ रुझान था, और फिर नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की तरफ भी रुझान होना फितरी हो गया। लेकिन जब नवाज शरीफ ने जलावतन हुए, आप सबको याद होगा जो नवाए वक्तियां ने जिन्होंने मुझे पढ़ा है कि सबसे पहला इंटरव्यू जलावतनी के बाद नवाज शरीफ का 2001 में मैंने नवाए वक्त के लिए बिग फीचर वो उनका इंटरव्यू किया था, और सपोर्ट इसलिए किया कि यार ये एक सबसे बड़ी मुस्लिम लीग की पार्टी है, उस वक्त काफशाफ तो बनी नहीं थी, तो ये हम पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, तो पंजाब मजबूत हो जाएगा तो पूरा मुल्क मजबूत हो जाएगा ये पार्ट। लेकिन कितनी अजीब बात है कि मैं फटाफट ही ना पैंतरा बदल लेती हूँ जो पाकिस्तान के मुझे वो मफादात में नजर ना आए। ये अब मेरी जाती राय है कि मुझे नवाज शरीफ को अल्लाह, मैं ये कह रही थी कि नवाज शरीफ को अल्लाह ने तीन मौके दिए हैं, और तीनों मौके में वो उस तरह के को डिलीवर नहीं कर सके जो कि हम पुराने मुस्लिम लीगियों को मुस्लिम लीग से तवक्को थी। ऊपर से उन्होंने मरोसियत शुरू कर दी, नवाज शरीफ खुद उन्होंने पार्टी बनाई तो हमने उनको फॉलो किया और हमने सपोर्ट किया, लेकिन जब वो इस तरफ आ गए वो भी पीपल्स पार्टी की तरह, भुट्टो जिंदा है तो अब शायद नवाज शरीफ ने भी अपने लिए लगाना था नवाज शरीफ जिंदा है, उन्होंने जनाब चले शहबाज शरीफ बहुत जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, बिला शुबा आज भी लोग शहबाज शरीफ को याद करते हैं, उसने काम करके दिखाए हैं, ठीक है, तो शहबाज शरीफ को भी हम एक्सेप्ट करते हैं उनके काम की वजह से, बल्कि नवाज शरीफ को तो वोट ही शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की वजह से मिलते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को अल्लाह जाने बेगम कुलसुम नवाज ने वसीयत की है या इनके कान में क्या कि नहीं 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 मरूसियत चल रहे, तो यानी अपनी औलाद आगे लेके आओ, दोनों बेटे तो जाके बैठ गए लंदन, और वो वैसे भी कोई सियासत जो गया है कोई नहीं, तो रह गई बेटी, तो वो भी साफ जरा वेली थी, मतलब लाइक उन्हें काम शम तो कोई नहीं था उनको भी, तो वो जनाब उन्होंने कहा कि इसको तो मैं अपनी पार्टी दे दूं। ये जो मरियम नवाज को इन्होंने क्यादत अपनी दे दी और अपना जानशीन बना लिया जिस दिन, उस दिन वही जो चौधरी नसार अली खान ने भी कहा था कि जी साढ़े को एंज एंज खलो के ताबियादारी नहीं होंगी, नसल दर नसल खुदा खासा असी को कमी कमी ना। तो नवाज शरीफ तक मामला ठीक था, शहबाज शरीफ तक भी ठीक था, जब कूदी है ना ये मरियम नवाज, और वो ठीक है पार्टी की मजबूरी है, उनके पास कोई है नहीं तो वो एक कहते क्राउड पुलर है, अब क्राउड पुलर को तो देखे ना, वो तो आतिफ असलम भी बहुत है और भी बहुत सारे क्राउड पुलर होते हैं, वो नहीं अपील की ना, अपनी राय है ना, तो बस इसमें ये नहीं एक्सेप्ट हो सकती, ये गुलामी दर गुलामी नहीं हो सकती एक्सेप्ट। तो उन्हीं दिनों में ये जो इमरान खान है इनका नारा बड़ा भारा था तब्दीली का, शुरू तो ये सुनामी से हुए थे, मेरे जैसे उन्होंने कहा बड़ा मनहूस लफ्ज़ जो सुनामी लाया जाएगा सारे, तो उनको समझ आ गई, तो उन्होंने सुनामी छोड़ दिया, पुराना हो गया है सुनामी।
तो इन्होंने तब्दीली की बात, तो हमने इनको न्यूयॉर्क में भी बड़ा वेलकम किया इमरान खान को। दूसरी बात यह कि इमरान खान से शौकत खानम से हमारा ताल्लुक है 97 से, जबकि हम अमेरिका से यहाँ उसकी खिदमत करने आए थे मुल्क की, शौकत खान। तो हमने सपोर्ट किया उसको भी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि बेसिकली तो मैं पाकिस्तानी मुस्लिम लीग के कायद आजम के वर्कर की बेटी हूं ना, मैं मुल्क बनाने वाले की बेटी हूं, मुल्क खान वाले की बेटी तो नहीं ना, फर्क तो होना ना, मुल्क खान वाले की बेटी तो मुल्क बनाने वाले की बेटी, तो बनाने वाली तो फिर इस तरह ही बोल दी जाए, ठीक है, कब्र पाड़ के। उसको भी किया सपोर्ट, इमरान खान को भी, कि तब्दीली लाएगा। इख्तलाफ कहां से हो गया आपका? नहीं नहीं इख्तलाफ नहीं, वो डायरेक्शन के वो बताया तो है, तो मायूसी हो गई। अच्छा। कि हमें जानशीन ही नहीं चाहिए, हमें नहीं ये चाहिए। नवाज शरीफ तीसरी दफा भी ब्लंडर्स उनसे होते गए, और तीसरी दफा जो लंदन गए हैं वो भी ब्लंडर। ये हमेशा शब खून इन्होंने जर्नैलों पे मारा है, जर्नैलों ने मुल्क पे मारा, इन्होंने जर्नैलों पे शब खून। मैंने शहबाज शरीफ भी जर्नैलों से शब खून मार देगा, जिस दिन मरियम नवाज जर्नैल होगी उस दिन नवाज शरीफ ने शब खून मार देना। तो इनसे ब्लंडर होते रहे, और मुल्क के लिए भी कोई इतना उस तरह लेवल का डिलीवर नहीं हुआ। फिर बहरहाल हमने कहा कि नए को आजमाने में क्या हर्ज है, हमने अमेरिका बीइंग अमेरिकन सिटीजन, हम तो नए नए लोगों को आजमाते हैं, हम तो किसी एक के वो ब्रेन वॉश और शख्सियत प्रस्त नहीं होते। अमेरिका में हम वोट देते हैं अपने काम के, जो हमारे मुल्क के लिए फायदा मंद होता है हम उसको वोट देते हैं। यहाँ तो चमड़ीस हो जाते हैं ना, कि नून दाई जाए नून ना ही मरना जाए, पीटीआई के कफन से मरना जाए, ए पुट्टो दा जे पुट्टो दे, नो आई डोंट बिलीव ऑल दैट, डिलीवर करो, ऑनेस्ट रहो, तो ठीक है हम तुम्हारे साथ है। उसके बाद जब हमने इसको मौका दिया इमरान खान को, तो जब तक सपोर्ट भी किया, इसके फेवरेट की, लेकिन इसने 3.5 साल में क्या चोर 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 चोर, ओ भाई साहब तेरी ईमानदारी तो खुदा असी पनाह मांगने हैं, एहो जे पा सादत ते चाचा अमीन, 3.5 साल में क्या डिलीवर किया। तो मैं जो इतनी सपोर्टर रही पीटीआई की, इसने भी मायूस किया। तो अभी तक भी भला मेरे फॉलोअर्स को या मेरे सपोर्टर्स को या मेरे रीडर्स को अभी तक समझ नहीं आई कि मेरे मुल्क को जो डिलीवर करेगा, मेरी आवाम को जो डिलीवर करेगा, उसके लिए मैं कॉलम भी लिखती हूँ, बोलती भी हूँ और शवा शवा भी करती हूँ। लेकिन जो नहीं डिलीवर कर सकता, जिसने सिर्फ झूठे दावे किए हैं, हमें सबज बाग दिखाए हैं, और दूसरा इस्लाम को एक्सप्लॉइट किया है, जिसने भी मजहब को एक्सप्लॉइट किया है, नवाज शरीफ में और इमरान खान में अभी भी बहुत सारा फर्क है। उन्होंने तो फिर भी शायद कोई 3 हुकूमतों में कुछ, शहबाज शरीफ ने बहुत डिलीवर किया है, ऐ बुजदार तो असी आवाजार, थैंक यू वेरी मच इमरान खान, ऐ तेरे बुजदार तो असी आवाजार, आप तुम्हें क्यों सपोर्ट करें, इतना बड़ा सूबा तुमने उस शख्स को दे दिया। यानी तुमने ये भी नहीं देखा कि एक बंदे की साइकी होती है कि वो शहबाज शरीफ चौधरी परवेज अलाई जैसे लोगों के बाद उसी के लेवल का कोई डिलीवर करने वाला कोई तुम अपनी पार्टी में से अलीम खान को ले आते, तुम तरीन को ले आते। अगर तुम वो इतने करप्ट थे तो उन्होंने कमाइयां क्यों खाना सह, उन्होंने जहाजा च क्यों बहना सह, उन्होंने पेट्रोल क्यों लेना सह, जुल्फी बुखारी हो गया इतने, तू डायरेक्ट करप्शन नहीं करता इमरान खान, तू इनडायरेक्ट फायदे उठाता है। तो हूँ असं कि सादक कहिए तो किनू अमीन कहिए, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती होगी। बहुत शुक्रिया तैयबा, आपने सवाल का जवाब बड़े तफसील से दिया, थैंक यू।